हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे और सिंथेसिस में हमने पढ़ा कि एडवर्ब का यूज़ करके हम टू सेंटेंसेस का सिंथेसाइज करते हैं और उनको एक सिंपल सेंटेंस में फ्रेम कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज इन सेंटेंसेस को कैसे हम फ्रेम करेंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज एट फॉल्ट, देर इज नो डाउट इन इट। ही वॉज एट फॉल्ट, यानी उसकी गलती थी। देर इज नो डाउट, देर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नो डाउट का मतलब क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं है, इसको अपने को प्रकट करना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, ऐसे करेंगे, ही वॉज एट फॉल्ट, ठीक है ना? ही वॉज एट फॉल्ट। नो डाउट जो वर्ड है, इस नो डाउट को अपने क्या लिख सकते हैं? एडवर्ब के रूप में क्या लिख सकते हैं हम? एडवर्ब के रूप में इसको लिख देंगे अनडाउटली, यानी डाउटली का जो अपोजिट होता है वो अनडाउटली होता है। तो इसके हमने बना दिया अनडाउटली। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब का यूज करते हुए हमने इसको एक प्रेजेंट नहीं सॉरी सिंपल सेंटेंस के अंदर यानी चेंज कर दिया। सिंपल वो होता है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। हमने बार बार ये पढ़ा है, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू मार्केट, ये लिखा है, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। ही वॉज इन ए हरी, अब देखो वो जल्दबाजी में था, तो इन अ हरी। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब आप इन अ हरी जो वर्ड है इसको ही को यहाँ से हटा देंगे, ही वॉज इन, ही वॉज को हटा देंगे, और ये जो इन अ हरी लिखा हुआ है वो यहाँ जोड़ देंगे। और वो किसका काम करेगा? कैसे गया? इन अ हरी या हरीडली गया, एक ही बात है। या तो इसको इन अ हरी कर दो, या उसको यूं भी कह सकते हैं हरीडली, वो जल्दी जल्दी गया, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया आपका? सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर दिया हमने सिंथेसाइज करके। किससे सिंथेसाइज किया हमने? हमने एडवर्ब क्लोज का यूज करते हुए इसको सिंथेसाइज कर दिया। आई शेल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। देखो, बाय द मॉर्निंग आई एम डेफिनेट अबाउट इट, यहाँ डेफिनेट का मतलब मुझे पूरा विश्वास है। तो आई एम डेफिनेट, ये डेफिनेट जो वर्ड है आपको दिख रहा है, इसको डेफिनेटली में बदल दो ना, क्योंकि हमें तो एडवर्ब का यूज करते हुए से सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे यूज करेंगे? डेफिनेटली यूज करेंगे, और डेफिनेटली कहाँ यूज होता है बताओ? पता ही है, आई शैल रिटर्न डेफिनेटली, आई शैल रिटर्न डेफिनेटली बाय द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप इसको डेफिनेटली जो वर्ड था इसका आपने यूज किया, एडवर्ब का यूज किया, और इसको क्या बना दिया? एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस को फ्रेम करना है, और वो दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, एडवर्ब का हमें यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट। आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। यहाँ विद ऑल माई हार्ट, तो इसको भी आप हार्टेडली बोल सकते हैं ना, हार्डली है, ऐसे ही बोलते हैं। आई हार्टिली थैंक्ड हिम, थैंक्ड हिम, आई हार्टिली थैंक्ड हिम, ये हार्टली मैंने उसे धन्यवाद दिया। तो ये भी क्या है? हार्डली जो वर्ड है ये क्या बना दिया हमने? एडवर्ब का यूज यहां पर कर दिया। तो एडवर्ब का ध्यान में रखना है हमें, एडवर्ब का यूज करते हुए एक जो वर्ब जो थी उसको हमने नॉन फाइनाइट में, जो वर्ब थी दोनों फाइनाइट थी, डिड और थैंक दोनों फाइनाइट थी, इसको हमने यहां से हटा दिया और हार्डली बना दिया। एडवर्ब का यूज करके इसको हमने सिंथेसाइज कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही डिड इट, ही डिड इट विद ग्रेट सक्सेस। तो ऐसे बनाएंगे, ही डिड इट, बस कैसे किया, हाउ को बता रहा है। तो अपने को क्या करना, अगला सेंटेंस हाउ को बना बता रहा है, तो ही डिड इट सक्सेसफुली, ही डिड इट सक्सेसफुली लिख देंगे, इसको लिख देंगे आप सक्सेसफुली। तो यहां पर सक्सेसफुली,
ये हो जाएगा। तो ये ग्रेट विद ग्रेट सक्सेस जो था इसको आपने एडवर्ब में चेंज कर दिया, तो ये अब क्या बन गया, सक्सेसफुली बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको आपने सक्सेसफुली में चेंज करके इसका सिंथेसाइज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, दिस वॉज फुलिश, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, ये फुलिश था। कैसा था, फुलिश था, उसका मैनर जो था फुलिश था। तो इस फुलिश को क्या करेंगे, फुलिशली में चेंज कर देंगे। फुलिश मनी मूर्ख होता है, नाउन से एडवर्ब बना देंगे, है? तो कैसे बनाएंगे एडवर्ब, देखिए, ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। तो फुलिशली कर देंगे इसको, FOOLISHLY, ये LY जोड़ देंगे, फुलिशली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको इस एडवर्ब का यूज करते हुए एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ओके। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, अब नेक्स्ट देखिए, सी विल पास द एग्जामिनेशन, इट इज सर्टेन, है? अब सी विल पास करेगा, तो ऐसे करेंगे, सी विल सर्टेनली, यहां सर्टेनली कर दो ना, सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, सी विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, वो निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगी। तो सर्टेनली वर्ड जो था, ये सर्टेनली जो है वो क्या है, हमारा एडवर्ब है, इसका यूज किया और हमने इसको चेंज कर दिया, इट इज सर्टेन जो था इसको हमने सर्टेनली में चेंज कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडवर्ब का यूज करते हुए एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करना है, दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट देखिए, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब देखो, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब देखो, वो कुछ ही क्षण के लिए बोला था, है? तो फॉर अ फ्यू मिनट्स जो है वो क्या है, टाइम बताने वाला एडवर्ब है, तो उसको यूज कर देंगे, तो क्या बनेंगे, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, बस हमने क्या कर दिया, ही स्पोक जो था इसको यहां से हटा दिया, और जो टाइम बताने वाला एडवर्ब है इसको इसके साथ जोड़ दिया, फॉर अ फ्यू मिनट, ये टाइम एडवर्ब था, तो टाइम एडवर्ब को आपने जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, ओके। तो इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट है, ही फेल्ड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, अब आपको पता ही है अनफॉर्चुनेट को कैसे बदलेंगे, अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत बदल दीजिए इसको, बदलेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, या अनफॉर्चुनेटली पहले भी जोड़ सकते हैं आप, अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, बस हो गया, अनफॉर्चुनेट को अनफॉर्चुनेटली में चेंज कर दिया, तो ये एडवर्ब जो है वो भी आ गया। एडवर्ब लगा करके अपने क्या बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो, फ्लो वॉज स्लो, यानी फ्लो तो आ गया लेकिन स्लो, स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, तो ये बन जाएगा द रिवर वॉज, क्या बनेगा, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको बना देंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई कि हमने क्या किया, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यूज किसका करना है, एडवर्ब का यूज करना है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिए, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है कि आपको एडजेक्टिव का यूज करके, एडजेक्टिव का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, हमें यूज करना है एडजेक्टिव का, तो ओके, एडजेक्टिव की बात जब अपने करते हैं तो देखिए एक्सरसाइज, तो इसमें अपने को क्या करना है, एडजेक्टिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस है, उसका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, टैगोर वॉज अ बंगाली, ही वॉज अ ग्रेट पोइट, यहां देखिए टैगोर जो था यहां पर बंगाली था, इसका मतलब टैगोर की जो 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 टैगोर के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया गया वो है बंगाली, वर्ड क्या है, बंगाली, तो बंगाली मतलब प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव का यूज किया गया है बंगाली, यानी जो प्रेडिकेट में जो एडजेक्टिव होता है वो बंगाली होता है। टैगोर वॉज अ बंगाली, ही वॉज अ ग्रेट पोइट, यहाँ वॉज वॉज दो बार आ रहा है और दोनों ही क्या है, फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, बंगाली बंगाली टैगोर वॉज, ये जो टैगोर है ना,
टैगोर वॉज, ये तो आ गया टैगोर वॉज अ। अब अपने क्या करेंगे, बंगाली शब्द जो ऐसे आ गया, टैगोर वॉज अ बंगाली तो था, हमने क्या करना है, ग्रेट बंगाली पोइट, ये कर दो ना, टैगोर वॉज अ ग्रेट बंगाली पोइट। यानी ये बंगाली जो वर्ड है, हमने पोइट से पहले एट्रीब्यूटिवली इसका यूज कर दिया, यानी जो नाउन से पहले आ जाए वो एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिवली कहलाता है, और जो दूसरे पार्ट में आता है वो उसका क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, एडजेक्टिव का यूज कर देना है। नेक्स्ट है, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। अब इसको कैसे करेंगे, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। तो अब देखिए, ही इज ये ही एक लगाने की जरूरत नहीं, पहले माई ब्रदर से ही सेंटेंस शुरू कर दो ना, इस सेंटेंस को माई ब्रदर से शुरू कर दो, क्योंकि माई ब्रदर के लिए ही लगाया गया। तो आप कैसे करोगे, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, मेरा भाई इंटेलिजेंट है, बस हो गया ना। तो ही लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, माई ब्रदर यहां से ले लिया, और ये ही इज जो था उसको हटा दिया, और ही इज इंटेलिजेंट, ही इज जो ये दोनों में था कॉमन था उसको हटा दिया। जो प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हुई, उसको हमने पहले लिया। द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, द बॉय वॉज नॉटी। है तो कैसे बनाएंगे, तो बॉय नॉटी था ना, तो बॉय से पहले नॉटी लगा दो ना, सीधी सी बात है, एट्रीब्यूटिव यूज कर दो। द प्रिंसिपल फाइंड अ कौन सा बॉय, नॉटी बॉय, बस हो गया ना। तो हमने क्या किया, ये जो नॉटी वर्ड था बच्चे के लिए, जो एट्रीब्यू प्रेडिकेटिवली वर्ड यूज किया गया था, उसको हमने एट्रीब्यूटिवली यूज कर दिया, मतलब नाउन से पहले लगा दिया। नाउन से पहले जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ध्यान देना, ये बार बार एट्रीब्यूटिव शब्द बोल रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। अब ये कॉस्टली शब्द लिखा हुआ है, कॉस्टली का मतलब क्या होता है, महंगा। तो मैंने एक पेन खरीदा और वो भी महंगा खरीदा, तो कॉस्टली क्या है, देखिए एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी, दोनों ही है। तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको एट्रीब्यूटिव यूज कर दीजिए, ये कॉस्टली जो वर्ड था, महंगा शब्द जो वर्ड था, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, और हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है यहां पर आई बॉट अ कॉस्टली पेन, ठीक है ना, आई बॉट अ कॉस्टली पेन, इस तरीके से इसको यूज कर देंगे। ये कॉस्टली वर्ड जो है पेन से पहले, नाउन से पहले तुरंत बाद आ जाता है, उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली यूज यहां पर हम कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा, ए बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ए बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ही वॉज हंग्री, हंग्री कौन था, बॉय था, तो हंग्री, ए हंग्री बॉय लिख दो ना, ठीक है ना। ए हंग्री शब्द जो है इसका एडजेक्टिव ही तो है, तो अपने क्या करेंगे, ए हंग्री बॉय, ए हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ऐसे कर देंगे, ए हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा, ये हंग्री जो वर्ड था हमने बॉय से पहले यूज कर दिया, और इस तरीके से एडजेक्टिव का यूज करके एक सेंटेंस हमने बना दिया। नेक्स्ट देखिए, आई मेट अ वुमन, सी वॉज अ पुअर। अ वुमन शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, और आई भी इंपॉर्टेंट है, वुमन कौन पुअर है, वुमन पुअर है, ठीक है ना, वुमन पुअर है, तो वुमन के लिए पुअर वर्ड आया है, तो उस पुअर को क्या करेंगे, नाउन से पहले लगा देंगे, तो एडजेक्टिव बन जाएगा और वो एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यूज कर देंगे, कैसे, आई मेट अ पुअर वुमन, हो गया ना, पुअर वुमन, ये पुअर शब्द क्या हो गया, वुमन से पहले आ गया, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यूज हो गया, बस इस तरीके से। सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव का यूज करना हो तो इस तरीके से आपको करना है। आई सॉ अ वुमन, शी वॉज वेरी ओल्ड। अब यहां पर देखिए कैसे बनाएंगे, आई सॉ अ वेरी ओल्ड वुमन, इस तरीके से कर देंगे, ये अ वेरी ओल्ड वुमन, ये वेरी ओल्ड जो वर्ड था, ये जो था, इसको हमने किससे पहले कर दिया, ओल्ड वुमन से पहले, वेरी वुमन से पहले वेरी ओल्ड लगा दिया, बस ये वेरी ओल्ड वुमन से पहले लगा करके एडजेक्टिव बना दिया, और एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने एडजेक्टिव का यूज करते हुए क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। नेक्स्ट है, गर्ल वॉज सिटिंग इन द चेयर, शी वॉज यंग। तो कौन यंग थी, गर्ल यंग थी ना,
तो सी लगाने की जरूरत नहीं है, यंग इसका एडजेक्टिव है, इसको यूज ले लो। कैसे बनाएंगे, ए यंग गर्ल वॉज। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, अ यंग गर्ल, अ यंग गर्ल वॉज सिटिंग इन द चेयर, ऐसे बना देंगे ना, अ यंग गर्ल वॉज सिटिंग इन द चेयर, तो हो गया। तो ये यंग गर्ल जो है वो यंग शब्द यहां गर्ल से पहले आ गया, ये यंग वर्ड जो था वो गर्ल से पहले आ गया। तो इसी इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक वर्ब रखनी है बस, फाइनाइट वर्ब एक रखनी है। ये वॉज भी फाइनाइट है, यहां पर वॉज फाइनाइट है, तो एक बार वॉज आ गया बस, एक बार है, तो इसका मतलब एक बार है तो वो सिंपल है। ही लेफ्ट हिज होम वन नाइट, इट वॉज वेरी डार्क। अब डार्क कौन थी, नाइट थी ना, वेरी डार्क किसकी खासियत है, किसकी विशेषता है, नाइट की है, तो नाइट से पहले लगा दो ना, तो इसके इसका क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट हिज होम वन वेरी डार्क नाइट, ठीक है ना, ही लेफ्ट हिज होम वन वेरी डार्क नाइट, एक बहुत ज्यादा डार्क नाइट थी, उस दिन उसने घर छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज को ध्यान रखना है, हमने एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव का यूज कर देना है, जिसका यूज प्रेडिकेटिवली दूसरे सब्जेक्ट में किया गया है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा सिंथेसाइज करने का तरीका। अब हम बात कर लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं। आइए अपने देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पहले से पता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक मेन क्लोज होता है, एक सबोर्डिनेट क्लोज होता है। सबोर्डिनेट क्लोज जो होता है वो सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, शुरू होता है, उसको सबोर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो मेन क्लोज और सबोर्डिनेट क्लॉज जिसमें होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती है, बस ये ध्यान में रखना है। और ये सबोर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये जो सबोर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यानी आपने ये बात भी अच्छी तरह से पढ़ रखी है कि ये जो सबोर्डिनेट क्लॉज होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं, यानी सबोर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक सबोर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आपको पता है कौन सा होता है, जो नाउन का काम करे वो नाउन क्लॉज। दूसरा आपको पता है एडजेक्टिव क्लॉज होता है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और तीसरा जो क्लॉज होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। तो तीन तरीके के इसमें क्लॉजेज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नाउन क्लॉज की, कि नाउन क्लॉज का यूज करके अपने दो जो सेंटेंस दिए हैं मैं आपको सिंपल, उसको आप कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नाउन क्लॉज की, नाउन क्लॉज की बात कर लेते हैं। ओके, नाउन क्लॉज में जैसे एक सेंटेंस है यू आर, हम सेंटेंस ले ही लेते हैं, पहले सेंटेंस देखिए। ओके, तो जब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में, और नाउन क्लॉजेस के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो इस बात को हमने देखा था कि नाउन क्लॉज कहते किसे हैं और इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, यू आर अ थीफ, इट इज नॉन टू ऑल, किस बात को नॉन कह रहा है, कि वो बात सबको पता है कि तुम चोर हो। तो ये इट जो है वो उसकी जगह पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा, और हमें इसका नाउन क्लोज बना देंगे सब्जेक्ट के रूप में, कैसे, उसको दैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे, दैट यू आर अ थीफ, दैट यू आर अ थीफ, कोमा लगाइए, इज नॉन टू, इट हटा दिया, इज नॉन टू ऑल। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए आप देखिए, यू ये दैट हमें लगाना है, क्योंकि नाउन क्लोज जब लगाते हैं तो दैट से शुरू कर सकते हैं अपने, यू आर अ थीफ। अच्छा, इसमें देखिए इज एम आर एक फाइनाइट वर्ब और नो दूसरी फाइनाइट वर्ब, हो गया ना। तो ये दो वर्ब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, दो वर्ब, दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया ना। इज नॉन टू ऑल, ये नॉन क्या है, नो न्यू नॉन, तीनों फॉर्म यहाँ यूज हो सकती है, तो ये क्या है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है, दो फाइनाइट वर्ब है, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरीके से इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो इट को हटा करके हम सब्जेक्ट की जगह पर नाउन क्लॉज को यूज करके बना सकते हैं। राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। अब यहां देखिए, हर टीचर इसे जानता है, किसको जानता है, कि राम एक डल बॉय है। नो क्या है, एक
वर्ब है, ये नो वर्ब है। वर्ब क्या, इट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन कहा जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, अगला सेंटेंस पहले लिखिए, एवरी टीचर नोज, ओके, एवरी टीचर नोज दैट, ठीक है ना, दैट से जोड़ देंगे और पहला सेंटेंस लिख लो, क्या लिखोगे, दैट राम इज अ डल बॉय, हो गया, एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। तो नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो एज अ वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में भी अपने नाउन क्लास का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अपने क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ नोज लिखा हुआ है, यहाँ इज लिखा है, दो फाइनाइट वर्ब है और यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है। ओके तो ये देखिए, आप देखिए अगला सेंटेंस, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, यू मस्ट रिलाई ऑन, उस बात पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए, किस पर, जो मैंने तुम्हें बताया। अब जो का मीनिंग, ये क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज का यूज करते हैं, वो हमने बताया था। तो अगला सेंटेंस लिखिए, यू मस्ट rely on what, यहां what means जो, what I told you yesterday, ठीक है ना, what I told you yesterday, तो ये that जो है ये भी हट जाएगा, ये भी जो के लिए यूज हुआ है तो ये भी हट जाएगा। तो यहां पर rely on और rely और told दो दो दो, दो फाइनाइट वर्ब है, rely भी है और told भी है, इसलिए ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करते हुए अपने सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, राम इज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेस, राम फेल हो गया एग्जामिनेशन में, उसका रीजन क्या है, उसकी केयरलेसनेस है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर, ये कह सकते हैं द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन, अपने को क्या करता है, कारण बताना है, द रीजन ऑफ, भी रीजन पहले ले आएंगे, देखिए पहले रीजन लिखाएंगे, कैसे लिखेंगे, द रीजन ऑफ, अब किसकी फेलियर है, राम की फेलियर है, हैं, तो राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन, तो इसको अपने एक बना देंगे सेंटेंस, राम्स, सॉरी, राम्स फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज, द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज, एक तो ये इज लगा दिया और क्या है, इज इज क्या है, कॉम्प्लीमेंट मांगेगा, कॉम्प्लीमेंट मांगेगा, क्या क्या मानेगा, दैट, दैट लगा करके कॉम्प्लीमेंट यूज कर दो, दैट, दैट लगा करके कॉम्प्लीमेंट लगाइए, दैट दैट ही इज केयर लेस, बस दैट ही इज केयरलेस, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट किसका यूज किया, इज के बाद यूज किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने क्या किया, इसका यूज कर दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन क्लोज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंज जरूर करना पड़ता है, जैसे केयरलेसनेस को केयरलेस में चेंज कर दिया, फेल्ड को फेल्योर में चेंज कर दिया, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ओके तो यहां पर ये बात भी आपको याद रखनी, गांधी जी वो श्योर डेट द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, तो यहां देखिए गांधी जी, गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज, न्यूज क्या था, गांधी जी वॉज शॉट डेड, तो ये द न्यूज जो वर्ड है ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन के रूप में आ सकता है, कैसे आ सकता है, देखिए द न्यूज को पहले लीजिए, द न्यूज, अब न्यूज क्या थी, न्यूज क्या थी, न्यूज थी कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, इसके बाद कोमा लगाइए और अब लिखेंगे गांधी जी वॉज शॉट डेड, हो गया, फिर कोमा लगाइए, द न्यूज गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज गांधी जी वॉज शॉट डेड, अब स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन। अब यहां पर न्यूज के बाद देखिए, यहां आपने एक चीज खाली छोड़ दी, दैट लगाना चाहिए था,
दैट क्लॉज का यूज करेंगे किसके रूप में, नाउन इन अ पोजिशन के रूप में दैट क्लॉज का यूज ये हो गया, देखिए हो गया ना, नाउन इन अ पोजिशन के रूप में यहां पर दैट क्लॉज का यूज अपने कर सकते हैं। तो इस तरीके से दैट क्लॉज का यूज, नाउन क्लॉज का यूज करके अपने क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, कई बार क्या है, हु जो वर्ड आता है, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। अब हु इज सी लिखा हुआ है तो इसको ही अपने क्या करेंगे, ये भी ही डज नॉट नो, अब इसको हु से ही जोड़ेंगे, हु सी इज, पता ना आपको, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो इज सी था ना इसको सी इज में चेंज कर देंगे। ये भी क्या है, नो ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट है, हु सी इज, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उसके रूप में आप क्या कर रहे हैं, इसको नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है लेकिन हु से शुरू हो रहा है, इसको बस इतनी ध्यान रखनी है कि आगे वाला सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। ओके, टेल मी वेयर इज सी, वही सेम बात है, तो कैसे बनाएंगे, टेल मी, मुझे बताइए, क्या, टेल मी, वेयर का वेयर, सी इज, टेल मी वेयर सी इज, तो इस तरीके से आपको क्या बनना है, टेल मी, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं, जिसको डब्ल्यू एच क्लॉज के रूप में इसका यूज है, इज सी को सी इज में चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ एक तरफ वर्ब टेल है, एक तरफ इज है, ये दो फाइनाइट वर्ब है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो, वो भोला भाला है, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। अब यहां पर वेदर या इफ का यूज कर दो, वेदर ही लगा दो, तो वेदर लगाएंगे, वेदर ही मे बी लिखा है ना, तो मे बी किस गया, इज इनोसेंट, वेदर ही इज इनोसेंट, या इसको यू भी कह सकते हैं, आई डोंट नो इफ ही इज इनोसेंट। ओके, तो ये भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसाइज करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और कुछ सेंटेंस भी आप देखिए, अब देखिए यहां पर लिखा है, इट इज क्लियर यू हैव कमिटेड अ क्राइम, हैं? अब इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है नाउन क्लॉज का यूज करते हुए, तो नाउन क्या है, इट की जगह लगा दो ना, ये इट क्या क्लियर है कि आपने क्राइम किया, यही तो बात क्लियर है, तो इसको नाउन क्लॉज के रूप में करिए। कैसे, यू हैव दैट लगाएंगे, दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, अब इज क्लियर हो गया ना, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो आप, इसको यूं बना सकते हो, इट इज क्लियर, ये बात क्लियर है, दैट लगा दो, दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। तो इस दो तरीकों से आपको क्या करना है, इसको बना देना है, कर दिया ना, तो ये हो गया अपना सेंटेंस। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी, मी, अब माई टीचर टोल्ड मी दैट, दैट लगा दो ना, क्या लगाएंगे, माई टीचर टोल्ड मी दैट, दैट से शुरू कर दो, क्या बताया टीचर ने, कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये क्या हुआ, ये नाउन क्लॉज लग गया, कि टीचर ने बताया, क्या बताया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपने क्या कर दिया, क्लॉज का यूज कर दिया, तो नाउन क्लॉज का यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दैट नाउन क्लॉज का यूज करते हुए या दैट क्लॉज का यूज करते हुए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज वेरी सिंसियर, नो बॉडी डाउट्स इट, नो बॉडी डाउट्स इट, नो बॉडी डाउट्स दैट, अब ये जो इट है ना वो यहां से हट जाएगा, वही बात, दैट क्लॉज का यूज करेंगे, हा? तो कैसे यूज करेंगे, देखिए ऐसे यूज करेंगे, नोबडी डाउट्स, नोबडी डाउट्स दैट, नोबडी डाउट्स दैट, हो गया ना, ही इज वेरी सिंसियर,
इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे ये दैट क्लास के रूप में, ही इज सिंसियर, ये नाउन क्लास के रूप में आ गया। तो नाउन क्लास के रूप में यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ये हम पहले हालांकि पढ़ चुके हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, बट फिर भी आप एक बार पुनः देख लीजिए। कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरित मानस। अब इसमें देखिए ये कैन यू टेल, क्या बता सकते हो, कैन यू टेल मी, अब पहला सेंटेंस ये बन गया, हु रोट द रामचरित मानस, तो हु ऐसे लिखेंगे, हु रोट द रामचरित मानस, रामचरित मानस, ठीक है ना। और क्योंकि ये हु जो वर्ड है वो मी का ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज के रूप में अपने इसको यूज किया है, तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी हु रोट, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अपने किसका यूज कर दिया, किसका यूज कर दिया, नाउन क्लास का यूज कर दिया, और हमने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट यू आर काइंड टू मी, यहाँ काइंड टू मी लिखा हुआ है, तो यू आर काइंड टू मी, आई विल नॉट फॉरगेट इट, आई विल नॉट फॉरगेट इट, लिखा है ना, इट क्या नहीं भूलूंगा, इट नहीं भूलूंगा, इट का मतलब, इट का मतलब पहला सेंटेंस है, सीधी सी बात है। तो यहां से उठाइए इसको और बना दीजिए इसको, क्या बनाना है, यू सॉरी यू से नहीं शुरू करेंगे इसको, आई से शुरू करेंगे, आई विल नॉट फॉरगेट इट की जगह क्या लगाना है आपको, सेंटेंस बनाना है, दैट यू आर काइंड टू मी, आई विल नॉट फॉरगेट दैट यू आर काइंड टू मी। अब ये दैट क्लास क्या आ गया, फॉरगेट जो वर्ड था है, फॉरगेट जो वर्ब थी उसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का यूज करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। फॉरगेट वर्ब है, यहां पर इजमार वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब का यूज करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट, तो ये इट फिर आ गया, इट को देखिए, आई डू नॉट डाउट, अब इट को यहां से हटा दीजिए, है तो क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा, आई डू नॉट डाउट, अब दैट लगा दिए, दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, हमने इट को हटा करके दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट ये लगा दिया, ठीक है ना। ऐसे यहां पर किसको हटाया है, इट को हटाया, ठीक। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि कौन सी बात क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम करना है। नेक्स्ट है देखिए, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ठीक है ना, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, आई बिलीव सो, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तो दैट आई बिलीव, दैट आई बिलीव, आई बिलीव हो जाएगा, सो की जगह दैट लगा देंगे, आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ये मेरा ऐसा विश्वास है। सो जो है, सो का मतलब क्या है, सो का मतलब है यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तो ये हो जाएगा आई बिलीव दैट, यहां बिलीव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, ऐसे बना देंगे ना, तो ये बन जाएगा दैट क्लास, तो ये बन गया हमारा दैट क्लास, इस दैट क्लास से क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है नाउन क्लास का यूज करते हुए। द रेन वुड कम, अब देखो ये यहाँ कितना सुंदर, द रेन वुड कम, बरसात आएगी, दैट वॉज अवर होप, हमारी होप थी, अवर होप वॉज रॉन्ग, द होप दैट रेन वुड कम, अब देखो अवर होप लिखा है, तो अवर होप एक बार लिख दो ना, यानी अवर होप कितनी बार आया हुआ है, अवर होप आया हुआ है एक बार, दूसरी बार फिर देखिए अवर होप, हमारी आशा फिर आया हुआ है, इसको एक ही बार ले लीजिए, हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, अवर होप, हैं, अवर होप, तो यहां आ जाएगा आर होप, अब लगाएंगे दैट, होप क्या थी, दैट द रेन्स वुड कम, ये क्या हुआ, नाउन इन अ पोजिशन है, यानी ये नाउन के बाद दैट क्लास है ना, नाउन के बाद दैट क्लास का यूज हम कर रहे हैं, अवर होप, होप क्या थी, दैट द रेन वुड कम, अगेन अवर होप दैट द रेन वुड कम, अब वो क्या थी, वॉज रॉन्ग, वॉज रॉन्ग, वो गलत थी, तो अवर होप फिर हटा दिया हमने उसका, एक ही बार ले लिया, अवर होप दैट द रेन वुड कम वॉज रॉन्ग, तो ये कम के बाद क्या लगाएंगे, यहां पर कोमा लगा देंगे, यहां पर आपको
लगा देना है, कर लोगे ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स, दैट वॉज अवर होप वॉज क्लियरिंग। वही अवर होप दोबारा ना, अवर होप, यही अवर होप दैट द क्लाउड्स वुड, क्लाउड्स वुड की क्लाउड शब्द जो है ना, देखिए सी एल ओ यू डी एस, क्लाउड्स वुड डिस्पर्स, अवर होप दैट द क्लाउड्स वुड डिस्पर्स वॉज चीयरिंग, यानी हमारी आशा कि बादल बिखर जाएंगे वो प्रसन्नता देने वाली थी। तो डिस्पर्स और चीयरिंग या दो डिस्पर्स और वॉज दो फाइनाइट वर्ब हो गई, नहीं तो इस तरीके से हमने क्या किया, अवर होप जो दो बार आया हुआ था उसको एक बार करके यहां पर दैट नाउन क्लोज का यूज कर दिया। तो इस तरीके से अपने नाउन क्लोज का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल, दैट इज नॉट दैट, क्या उन्होंने दैट द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये दैट हटाएंगे नहीं, दैट द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू ऑल, ये बात सबको पता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नाउन क्लोज का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम करने। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।